चलें। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस व्लॉग। सो आज फाइनली है ट्यूसडे राइड। मैं आज भी लेट आया लेकिन फिर भी राइड से स्टार्ट हो रही है। अमित आया है पैक्स और मोमू। तो आज ज़्यादा लोग नहीं है, टोटल चार ही लोग हैं अपन। सो देखते हैं आज फिर से वहीं वापस टांगनाथ धाम वाले रोड पर जाना है क्योंकि फिर से लीन गेम खेलना है अपने को, तो फिर उधर ही जाने का डिसाइड हुआ है। बट देखते हैं अपन किधर तक, मतलब कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि पूरा टांगीनाथ तो जाएंगे नहीं क्योंकि पिछली बार पूरा दिखा चुके थे हम लोग टांगीनाथ। तो फिर बस अपने को रोड चाहिए था तो उसी रास्ते पे जाने वाले हैं। बाकी फिर आधा दूर तक ही जाएंगे मेरे ख्याल से, पूरा जाके क्या ही करेंगे, हर बार तो वही नहीं दिखाएंगे। तो थोड़ा चलते हैं अब, पता नहीं आ रहा है लोग लाइन से। मोमो किधर तक लेके जाता है, मोमो ये डिसाइड करा है टांगीनाथ का। मैं तो बोल रहा था घाघरा चलते हैं घाघरा घूमने के लिए, लेकिन फिर मोमो बोला कि उधर जाना है लीन के। एक्चुअली अमित भी आया है और उस दिन मैं पिछले राइड पे नहीं आ पाया था क्योंकि मैं कहीं बाहर था शायद। तो फिर ये लोग गए थे राइड पर, बट ये लोग भी यहीं नींदा घाट से ऊपर तक गए, उससे ज़्यादा नहीं गए। तो फिर इस बार ये लोग इधर ही जा रहे हैं क्योंकि मैं पिछले बार प्लान कर रहा था इधर जाने का, बट इधर नहीं जा पाए हम लोग। तो फिर इस बार हम लोग जाएंगे टांगीनाथ साइड, थोड़ा लीन गेम भी खेलते हैं, मज़ा आएगा। क्योंकि बहुत दिन बाद, एक्चुअली अभी मेरा ब्लॉग भी नहीं डल रहा है, बहुत दिन हो जा रहा है, लेट से आ रहा है थोड़ा ब्लॉग क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहा हूँ। और मेरा डेली ब्लॉग, डेली नहीं फिर भी दो तीन दिन में जो डलता था वो नहीं डल पा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जा रहा मैं इधर उधर थोड़ा सा, और थोड़े से काम वाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी। तो फिर इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा ब्लॉग बनाने का। अभी मेरे ख्याल से इस महीने तो ऐसे ही चलेगा नॉर्मली, बीच बीच में आते रहेगा एक एक ब्लॉग। बट नेक्स्ट मंथ से मैं ट्राई करूँगा, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जून के बाद फिर मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी ब्लॉग ला पाऊँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैप हो जा रहा है। 4-5 दिन में एक एक ब्लॉग आ रहे हैं, मंथ में सिर्फ 6 ब्लॉग ही बन पा रहे हैं। मेरे को ज़्यादा बनाना है, कम से कम 2-3 दिन में एक एक ब्लॉग डालना है। तो सितंबर अगस्त जून जुलाई के बाद मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बना पाऊँ और डालूँ, क्योंकि अभी बहुत धीरे धीरे मेरे चैनल की जितना 2 महीने में ग्रोथ हुई थी उससे बहुत कम हो गई है। अभी तो अभी पूरे 3 महीने हो गए मेरे ख्याल से, अब मैं मार्च अप्रैल नहीं 4 महीने हो गए, फिर भी वही परफॉर्मेंस कुछ नहीं हो रहा मेरे चैनल का, अभी थोड़ा स्लो हो गया। तो फिर जल्दी जल्दी कंटेंट डालना पड़ेगा मेरे को। क्या हुआ, चलो धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं दोनों के दोनों, चलो भैया। अभी थोड़े ठंडे में चल रहे हैं बाबू भैया, अपने जलवा नहीं दिखा रहे हैं तो अभी अपैक भी है अपने ग्रुप में, तो फिलहाल भी सर चल रहा है अभी विधि विधि क्योंकि बाबू भैया की जेसी का थोड़ा पत्तल गाँव में छूट गई है तो फिर उसके वजह से वो नहीं मार पा रहा और राइड भी नहीं कर पा रहा। बाकी आने वाला है जल्दी बाबू भैया भी फॉर्म में। ये जगह भी की वाला तो ये जगह पसंद है, मैंने तो हर बार पिछले ब्लॉग में भी मारा था। इधर साइड नीचे साइड तो पूरा पकना भी चालू हो गया थोड़ा थोड़ा, और इधर अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, होता हुआ खाने को मिल दे रहा है इस बार ज़्यादा, इससे मैं कैसे होगा खाने वाने के लिए भी तो होना चाहिए। क्या
फिर दिखना चाहिए। असली मज़ा आने वाला लग रहा है ऐसा मेरे को, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा इधर तो खाली खाँ वहाँ खाली खाली वहाँ थोड़ा सा खाली खाली इलाका था, तो फिर उधर करते अच्छा बनेगा। अरे यार बच्चा आ गया एकदम से ना, अचानक से हम इधर से पीछे से निकाले, बच्चा इधर घुस रहा था, बच गया। आज लग रहा उसका खासा सीन नहीं बन पा रहा थोड़ा सा दिन का। तो पता नहीं किस मूड में, आज एकदम स्लो स्लो चल रहा है, मेरे भी मूड में लग रहा है। तो मेरे साथ बहुत सी बात है, हम इसके साथ एक्चुअली राइड कर रहा हूँ। वापस चले क्या मैं बोल रहा था, क्या बोल रहे हो? मजा आते जाएगा और जाते जाएंगे। हाँ फिर उधर मनोरा साइड से चलते नाश्ता वास्ता करके। ठीक बोल रहे हो, चलो मनोरा साइड से ना, मनोरा साइड से चलते नाश्ता वास्ता करके उधर से निकल लेते। चलो कितना आगे भी जाएंगे, इधर तो आए भी थे, तो चलो एक्सचेंज करते हैं अब ऑडियंस को, दूसरा गाड़ी पे मजा आएगा। वापस चलते हैं फिर चलेंगे। हो जा रहा है मेरा, इतना गर्मी है भाई। प्रशांत तो गर्मी के चक्कर में आने से मना कर दिया, बोलता कि गर्मी हो रहा, तो बोला कि शाम को जाएंगे, बट हम लोग निकल चुके थे तो प्रशांत का हम लोग वेट नहीं किए। एंड इतना ज़्यादा गर्मी है कि मेरा पूरा गोप्रो भी हीट हो गया, मौसम से भी पूरा परेशान हो गया, इतना गर्मी ना, दिमाग खराब। ऐसे में कैसे राइड होगा अपना इतना गर्मी में? ओ भाई आराम से पूरा, और कैसे चला रहा बिना हेलमेट वेलमेट पहना है, और राइडर लोग से सकते हैं। कैसे चल रहा है वो आदमी, बच्चा रुका है, वीडियो बन रहा था। दिक्कत है इस साल लोगों ने गाने के बाद थोड़ा सा उड़ना, कुछ तो निपटेंगे, अगला को भी निपटाएंगे। गर्मी नहीं होता तो मज़ा ही कुछ और आता, अगर थोड़ा सा छाँव होता हल्का सा भी, तो शाम को थोड़ा निकलने का मन नहीं होता है शाम को इधर राइड वाइड करने का, क्योंकि शाम में अलग ही सीन रहता है सबका, कोई मिल नहीं पाता एक दूसरे से हम लोग, तो क्योंकि शाम में सब अपना अपना बिजी होते हैं इधर उधर अपने अपने दोस्तों के साथ, तो फिर इसलिए इतना खास कुछ हो नहीं पाता, इसलिए सुबह ही करके सुबह ही राइड निपटा के सब अपना अपना देख लेता है, बाद का ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब निकल लेता है अपना, उसके बाद फिर अपना अपना घूमने उमने या काम वाम जो भी है चले जाता है, क्योंकि मम्मो को भी दुकान खोलना रहता है, तो फिर वो भी अपना बिजी होता है बहुत ज़्यादा दुकान में, तो
के चक्कर में हैं, किसी का दिक्कत ना हो बोल के सब लोग ज़्यादातर सुबह ट्राई करते हैं कि राइड करें। प्रशांत अभी दुकान नहीं खोल रहा है बहुत दिन से, उसके घर में एक्चुअली शादी था, तो फिर शादी के बाद से वो थोड़ा सा घर पे रेस्ट कर रहा है, शादी में थक गया होगा। अचानक अचानक से पूछता है ना इधर का गाँव में, बीच में मत चलो यार, क्या हुआ क्या? स्टोरी के लिए फोटो तो लेंगे बोल रहा है। कौन? बढ़िया जगह। अरे हम बोल रहे थे उधर से जाते टाइम ले लेते ना सोगड़ा ओगड़ा साइड में। चलो फिर। धूप भी बहुत हो रहा है, चलो जल्दी चलते हैं मनोरा, फिर वहाँ सोगड़ा ओगड़ा में ले लेंगे। ठीक है। आज तो मेरा फ्यूल गया लगभग, पूरा कराना पड़ेगा फिर से मतलब फ्यूल अब अच्छे से, कि इस बार तो पूरा फ्यूल खत्म है। बकरी यार आता कहाँ से है ये लोग, क्या ही सेक्सी है रोड। ये रे 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 तो फाइनली अब यहाँ पे नाश्ता वास्ता हो गया अपना, फिर उसके बाद यहाँ पर निकलते हैं, सब चीज़ तो हो गया टेंट वेंट वगैरह, फिर बहुत गर्मी है, सीट पूरा रील बनाना पड़ेगा समर वाला। तो फिर चलते हैं अपन यहाँ से आगे, इतना गर्मी है पूरा पसीना पसीना हो गया, हम तो एकदम शर्ट भी मोटा सा पहने हैं, इतना गर्मी लग रहा है, हालत ही ख़राब हो गया पूरा। तक फ्यूल अप कराने वाला था, पता नहीं नहीं कराने चलो। तो चलो ये लोग आराम से आ रहा है, पता नहीं हम रफ चल रहे हैं, ये लोग आराम से चल रहा है क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे हम सबसे आगे चल रहे हैं आज, तो हमें चलने का मन नहीं होता है आगे कभी भी।
बाय बाय, मिलते हैं बाय। तब यहाँ से चला मैं अपने घर और लोग भी अपना अपना सब जा रहे हैं। फाइनली अब थोड़ा देर तो मोमो यूज़ कर रहा था, तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया क्योंकि उतने टाइम से मोमो यूज़ कर रहा था। थोड़ा सा मेरा GoPro, तो फिर मैं फुटेज वुटेज तो नहीं बनाया। और अब फाइनली हम लोग पहुँच गए अपना घर के तरफ, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।